हम लोग को एक चीज सबसे अच्छा यही लगा कि गार्जियन ने कभी इतना पैसा ही नहीं दिया कि अपनी भी जरूरत पूरी हो सके, तो क्या दूसरे का जरूरत पूरा करेगा। कृष्ण भगवान तब तक ही वैल्यू दिए थे जब तक वो मथुरा में थे, जैसे वो द्वारिका गए तब साइड हरी साबुन सस्ता आता था, बचपन में वही मिलता था, नहा लेना बबुआ इसे, आदत हो गया उसी से। अभी लाइव वॉल लगाते हैं तो दहिया कहते हैं कौन सी लगा रहा है। सफलता इतना समय ले लेती है, इतना आपसे वर्क खोज लेती है कि फिर आपके अरमान ही नहीं रह जाते हैं किसी दूसरे से। ये इंसान की मेंटेलिटी होती है, आप जहां ज्यादा जहां भी ज्यादा रहेंगे, जहां समय देंगे वहां लगाव हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये डिपेंड करता है कितना समय दिए हैं। समझ आ गया कि नहीं? इसमें नया पुरान मतलब नहीं है, मतलब होता है कितना समय दिए हैं आप। समझ में आ गया कि नहीं? इस चीज को समझो, तुम लोग दूसरा समझ रहा है, लड़कियों दूसरे समझ रही है, कम होती है तो क्या। इस मैटर में दोनों बराबर है, कोई अकेले थोड़े बिगड़ रहा है। अरे डूब रहा है तो कोनो ना कोनो को तो लेके डूब रहा है। तो समझो, आप देखिए जैसे ध्यान से सुन, फिर हल्ला नहीं करो, इस चीज को समझो। कई लड़के को देखते हैं कि सुसाइड कर लेता, अरे यार उससे ज्यादा समय दे दो। कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। चल इधर ध्यान दे, गधा तुम लोग, ये अभी उम्र की गलती है आप लोग। एक सर्टेन एज लिमिट के बाद आपको ये सब चीजें फालतू लगने लगती है। जिस दिन आपके सामने आपका करियर होगा ना, उस दिन ये सब चीजें आपको मतलब अजीब सा, मतलब क्या है यार, हटाओ सब चीज। जैसे अभी सब आप, अभी आप उस एज में है ना कि समझाने पे कोई को असर नहीं पड़ेगा। हम लोग भी उस एज में थे, हम लोग के भी गुरुजी समझाते थे तो असर नहीं करता था। समझा गया? लेकिन एक चीज था, हम लोग को एक चीज सबसे अच्छा यही लगा कि गार्जियन ने कभी इतना पैसा ही नहीं दिया कि अपनी भी जरूरत पूरी हो सके, तो क्या दूसरे का जरूरत पूरा करेगा तू। यहाँ ये सबसे अच्छा हम लोग के लिए हो गया यहाँ पे, समझ में। तो अभी क्या, आपको अगर कोई दो का पहाड़ा पढ़ा है, 2 1 2 2 2 4 2 2 6, अच्छा लगेगा। लेकिन एक वक्त होगा जब आप इसके लिए पिटाए होंगे, बड़े शिद्दत से इसको पढ़ाई किया होगा आदमी, 2 1 2 2 2 4, अरे बाप रे। बड़ी पिटा, अब मास्टर सब 2 का नहीं पूछता, 9 का पूछता, 13 का, 7 का, उठपटांग उठपटांग, वो लेवल लेवल पे था। तो ये सब चीजें अभी आपको अच्छी लगती हैं? नहीं, एक सर्टेन एज के बाद आपको भी ये सब जो चीजें लाल पीला हरा कर रहे हैं ना, खत्म हो जाएगा। कृष्ण भगवान तब तक ही वैल्यू दिए थे जब तक वो मथुरा में थे, जैसे वो द्वारिका गए सब साइड घटाओ, आप समझिए ध्यान से। और वो भगवान तभी कहलाए जब मुख्य रूप से उनकी जो देखते हैं आप, देखिए तो द्वारका वाले, द्वारकाधीश, समझ गए कि नहीं गए। तो ये जो भी चीजें दी गई हैं, ये आपको दर्शाया है, ये जो भी धार्मिक चीजों में भी दर्शाया, राम जी को वनवास नहीं होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो पाते नहीं, हो पाते राजा रहते हो। तो जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप लोग ना दूसरे और समझ देंगे, ये सब ये एज की गलती है। इस एज में एक चीज हमको लगता है कि इसमें अगर आपके पास पैसे आया तो बिगड़ना फिक्स रहता है, क्योंकि पैसे आने का मतलब आपको अच्छे कपड़े मिलेंगे, क्रीम पाउडर करेंगे यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे। हम पहली बार फेस वॉश लगाए थे अपने पैसा से। नहीं तो उससे पहले कौन जी सोचा। हम आज भी, हम आप लोगों को कभी बोलते होंगे कि घड़ी साबुन से हम नहा लेते हैं किसी किसी बच में, रीजन क्या है, बचपन से वही मिला था नहाने के लिए, आदत हो गया, वहां पे महंगा आता था लाइफ बॉय वगैरह, घड़ी साबुन सस्ता आता था, तो बचपन में वही मिलता था, नहा लेना बबुआ इसे, आदत हो गया उसी से। अभी लाइव वॉल लगाते हैं तो दहिया कहते हैं कौन सी लगा रहा है। अब नहीं, इस चीज में हम देखें, जिनके पास गार्जियन ने ज्यादा पैसे दे दिए ना, उनको बिगड़ने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है।
जब पैसा नहीं रहेगा बाजार अच्छा नहीं लगेगा, ये सब नहीं अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा ये सब चीज से बचिए, ध्यान से समझिए। लेकिन हम अभी भी बताते हैं 110% कहते हैं कि हमारी बातों का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां जब तक ये क्लास खत्म नहीं हुआ है, सड़क पे नहीं उतरे हैं, लाइव हो या कोई भी हो, क्योंकि कुछ लात जिंदगी मारती है वो कभी नहीं भूल सकते। अभी वो लात आप नहीं खाए हैं, जिस दिन खाएंगे कसम बताते हैं आप कभी नहीं बिगड़ेंगे। तो आप वेट कीजिए कि वो लात खाने के लिए, क्योंकि ये उम्र है, ठोकर खा के ही आपको सीखना होता। तो आप लोग सिलेबस का हिस्सा है ये सब जिंदगी जीवन में, लेकिन लड़का लड़की सबको कहते हैं ये उम्र बहुत गन्ने और बिगड़ने का। आप अगर सक्सेस हो जाएंगे सब कुछ कर सकते हैं, समझना क्या कि नहीं। लेकिन हम लोग आपको हकीकत भी बताते हैं, हम लोग की भी गुरु जी कहते कि जब तुम लोग सक्सेस हो जाना तो जो मन तुम लोग को करना, लेकिन उसके बाद बोलने के बाद जब हम लोग पलटे थे तो गुरु जी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए थे। एक बार हम लोग गए, लोग सारा दोस्त मिल के सर के पास, चल प्रणाम करते हैं, बहुत दिन हो गया। गुरु जी को प्रणाम करने में पता नहीं क्या बड़ा शांति मिलता है, और भी कब शांति मिलेगा, जब आप सक्सेस हो जाएंगे तब। बेरोजगार होने के बाद शर्म लगेगा सर से मिलने में। हम लोग गए तो सर से पूछे कि सर आप हम लोग को बताए थे जब हम लोग इंटर पास किए थे कि बाबू लोग पढ़ लिख लो, ठीक ठाक हो जाना, तो तुमको जो करना है करना। तो हंस रहे थे हम लोग, उस समय नहीं पूछे कि 12 का लड़का देर खखोरेगा, एक दो तमाचा रख देंगे। डरो लगता था, कहेगी देखो बाबू हम लोग को जीवन का तजुर्बा, टीचर बताए हम लोग को 50-60 साल एज हो गया उन लोग का, हम लोग से ज्यादा जीवन का तजुर्बा नहीं है तुम लोग। सफलता इतना समय ले लेती है, इतना आपसे वर्क खोज लेती है कि फिर आपके अरमान ही नहीं रह जाते हैं किसी दूसरे चीज को, इतना ना आपसे समय मेहनत खींच लेता है, तो फिर आप आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं लाल पीला हरा करने के लिए। समझ गया, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सक्सेस होइए। लाइव वाले आप लोग भी ज्यादा, आप लोग को थोड़ा सा चांसेस ज्यादा है बिगड़ने का, कम चांसेस है। ई पटना में लड़का लोग थोड़ा सा छुट्टा साढ़ हो जाता है। चलो ध्यान से देखते हैं, तो एशिया आप लोग को क्यों अच्छा लगता है? आपने ज्यादा समय बिताया यहाँ पर, आप घर में जहां सोते होंगे ना, तो आप चौकी के दाहिने या बाएं कोना पे सोते होंगे या बीच में, जहां भी सोते होंगे आपको वही जगह अच्छा लगता होगा। दूसरे कमरे में भी आपको उतना अच्छा से नींद नहीं आएगा। ये दिमाग की मेंटेलिटी होती है, जितना ज्यादा समय देंगे वो उसको कंफर्ट बना लेता है उस चीज को। चाय ज्यादा पियेंगे तो कॉफी अच्छा नहीं लगेगा, कॉफी ज्यादा पियेंगे चाय अच्छा नहीं लगेगा, समझ गया, दोनों मिला के पियो अच्छा लगेगा। अरे सर आप बस लड़कों को ही समझाते हैं, तो भाई लड़कियों के जीवन के बारे में हमारा क्या पता, कोई लड़की कोई लेडीज टीचर ज्यादा अच्छा समझा पाएगी। बाकी लड़कों को हम बता सकते हैं कि सर कहां कहां बिगड़ता है, सब दोस्त यार में बिगड़ जाता है वो, उसको हम ज्यादा बेहतर से बता सकते हैं क्योंकि उस जिंदगी को हम जिए। आप लोग को तो हमको यही समझ में, हम तो सोचते कि तुम लोग समझ कैसे जाती है पढ़ाई लिखाई। बाकी हम समझाने के लिए सबको समझाते हैं, बाबू कहने का मतलब लड़का लड़की दोनों शामिल है, समझना क्या कि बाबू बम्बी का मतलब है।